हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंजू फैन फिक्शन ड्रैगन विद पल का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमारा वन कशिंग होता है ना, जब वो नागों की दुनिया से वापस आता है तो उसके लिए वो पेन हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मणि समाने के बाद उसके अंदर उसकी बॉडी में जो है वो पेन शुरू हो गया था, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। और वो सोना गली की मॉमेट प्लैनेट पे वापस आ जाता है। सोना गली उसे बताती है कि अब जो है तुम्हें लगभग उस लावे वाली दुनिया की थर्ड स्टेज पे जाने के लिए तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए कम से कम 2 महीने का। 2 महीने बाद एक बहुत बड़ी अमावस का दिन आने वाला है। अमावस का दिन सबसे ठंडा दिन होता है। और गाइस, उस ठंडे दिन पे जो है वो उस वैली में जा सकता था जो कि शैतान घाटी की लावे की वैली थी, वोल्केनो वैली थी, जहाँ पर विस्फोट हो सकता था। लेकिन जब अमावस का ये सबसे ठंडा दिन होगा, उस दिन जो है वहाँ की आग ठंडी हो जाएगी। और उस सोना गली ने उसे बताया कि अगर तुम अभी जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है तुम अपनी सारी शक्तियां खो दो, क्योंकि उस लावे में इस तरह की चीज़ें हैं जो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी शक्ति सबको जलाकर राख कर सकती है। तो इससे बेहतर कि तुम जल्दबाजी मचाओ, जहाँ तुमने इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा और सही। 2 महीने बाद जो अमावस की रात आएगी वो सबसे अच्छी रात होगी तुम्हारा वहाँ जाने के लिए। अमावस की रात में शैतानों की घाटी में शैतानों की पावर जहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, वहाँ पर वो जो है शैतानों की पूजा करने के लिए चले जाते हैं। जल्लाद जो है वहाँ पर जाके शैतान की पूजा करते हैं। उस वक्त जो है तुम इजीली उस लावे की घाटी में घुस सकते हो, क्योंकि वो 2 घंटे की जो पूजा होती है वहाँ पर जो है शैतान मौजूद नहीं होंगे, जल्लाद मौजूद नहीं होंगे। तब तुम उस घाटी में जा सकते हो और ईजिली वहाँ पर कैप्चर कर सकते हो, और जो तुम्हारा प्लान है तुम उसे यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ें उन्हें, जो वो खंजर उन्हें दिया गया होता है जो हमारे नागों के किंग होते हैं उनके द्वारा, तो वो वहाँ जाकर उसे यूज़ कर सकते हैं और उस लावे को फाड़कर उस लावे में से उस असीम दिव्य शक्ति को निकाल सकते हैं और वनकशिंग उसे अपने अंदर समा सकता है। तब वो सोना गली से पूछता है कि आखिर मुझे ये शक्तियाँ आजमाने की क्यों ज़रूरत है। तो सोना गली बताती है कि जो ब्लैक ड्रैगन के पूर्वज थे उन्होंने इन शक्तियों को असीम भागों में तोड़कर जगह जगह छुपाया गया था। और ये ब्लैक ड्रैगन ही नहीं, ये गोल्डन ड्रैगन और ना जाने कितने ड्रैगन की डायनेस्टी ये सब चीज़ें करती आई थी। और जो ये पूर्वज थे ना, नागों के, ड्रैगन्स के, टॉर्टोइस के, इन सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो एक असीम शक्ति के थोड़े थोड़े भाग हर जगह फैला देंगे, ताकि कोई एक जो पावर है वो सबको जो है सब पे हावी ना हो जाए। हर जगह हर चीज़ों के पास थोड़ी थोड़ी शक्ति होगी तो इससे क्या होगा, सारी दुनिया कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अगर पावर एक बंदे के पास आ जाए तो हो सकता है उसका ज़्यादा पावर आने की वजह से, ज़्यादा उसे शक्ति मिलने की वजह से उसका दिमाग ख़राब हो जाए। और कभी कभी लोगों के पास जब बहुत ज़्यादा बहुतायत में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब शक्तियाँ आ जाती हैं तो लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने उन शक्तियों को 10 भागों में तोड़कर अलग अलग प्रांत के लोगों को डिवाइड कर दिया था। तभी वनकशिंग समझता है और कहता है कि तभी जब ये शक्तियाँ मैं अपने बॉडी में ग्रहण करता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है। वो पूछता है कि क्या मैं वाइट पर्ल की शक्ति अपने शरीर में जब ग्रहण करूँगा तो क्या तब भी मुझे दर्द होगा। सोना गली कहती है अभी तक वाइट पर्ल की शक्ति कोई भी एल्डर नहीं, इन शक्तियों के साथ नहीं मिला पाया है। मुझे नहीं पता वो दर्द होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम ही इस दुनिया के मसीहे हो, तुम ही इन दुनिया को बचा सकते हो और हमारे लोगों में खुशहाली जीवन जीने के लिए जो है उन्हें प्रेरणा दे सकते हो और सब चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। वो ब्लैक होल इसलिए बना था ताकि जब कभी पावर का यूज़ करना हो तो कहते हैं ना, बुराई पे अच्छाई की मार होनी ज़रूरी होती है। तो अगर वो शक्तियाँ थी तो उन्हें एक दिन गैदर होना था, तो उसकी सिचुएशन बनाने के लिए कुदरत ने उस ब्लैक होल को यहाँ लाया है। वनकशिंग ये बातें सुनता है और 2 महीने का इंतज़ार करता है। वो दोनों रोज़ प्रैक्टिस किया करते थे। वनकशिंग बहुत ज़्यादा मेडिटेट करता है ताकि वो जो है उस लावे की जल्लादों से मुकाबला कर सके। सोना गली आज जो है उसे एक स्क्रिप्चर ला के देती है। जैसे ही वो उस सफ़ेद स्नेक को खाना खिला के आती है, उस स्क्रिप्चर में बताया जाता है कि जल्लाद जब 2 घंटे अपने शैतान की पूजा में बिजी होते हैं तब किस तरह से जो है उस गुफा में घुसा जा सकता है, वो लावे की जो गुफा है उसे, जो सांपों द्वारा दिया गया खंजर है उसे कैसे काट कर उसकी असीम शक्ति को किस तरह से पाया जा सकता है और किस तरह से वो जो है उस लावे को खुद के शरीर पर टच होने से रोक सकते हैं, और किस अगर वो लावा ज़रा सा भी उन्हें टच हो जाए तो उनकी शक्ति जो है वो सब चली जाएगी। वो लावा जो है उसे किस तरह खुद को प्रिवेंट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। तो वनकशिंग कहता है आपको ये स्क्रिप्चर कहाँ से मिला। तो सोना गली कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि मेरे पास ऐसे ना जाने कितने स्क्रिप्चर्स हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, बस तुम्हारा फोकस जो है काम पे होना चाहिए।
वो ये बोलती है और ज़ोस इशू को कहती है कि ज़ोस इशू, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। मेरे पास तुम्हारी मेडिटेशन को अच्छी करने के लिए एक दवाई आई है। तुम्हें अपनी मेडिटेशन का लेवल जो है बढ़ा सकते हो, और मैं जानती हूँ तुम वनकचिंग की हेल्प करोगे, तो मैं तुम्हें कुछ लेप नए तरीके के देना चाहती हूँ। बाय चांस किसी भी घड़ी में अगर वो लावा तुम्हें टच होता है, तो तुम उससे खुद को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। वो ज़ोसुशु को अपने साथ ले जाती हैं और सब चीज़ों की नॉलेज देने के लिए वन कशिंग जो है वहाँ बैठ के मेडिटेट करता है और उस शक्ति को अपने अंदर समाने की और अपने अंदर एब्जॉर्व करने की पूरी कोशिश करता है। वो ज़ोसुशु को जो है उस लेक में मतलब उस जगह ले जाती है जहाँ पे वाइट स्नेक आता था, और उसे खाना खिलाने के लिए बोलती है। यहीं पे गोशियम जाती है और कहती है, ब्रदर्स हो आप यहाँ कैसे? क्या ब्रदर्स वेन भी यहाँ आए हैं? ज़ोसुशु कहता है, हाँ हम दोनों यहाँ 2 मंथ के लिए अभी आए हैं, क्योंकि उसके बाद हम अपने अगले टास्क के लिए निकल जाएंगे, और उससे पहले हमें 2 मंथ यहीं रहने होंगे। अभी वनकशिंग ने अपना टास्क पूरा किया है, जिसके बाद उसे थोड़ी सी शक्ति की ज़रूरत है। गोशियांग कहती है, पता है मैंने भी बहुत सारी कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी और मेडिटेशन भी, बहुत जल्द मैं आप दोनों को पीछे छोड़ दूंगी हर फील्ड में। तो ज़ोसुशु कहता है, अच्छा तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट है, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम अपने दोनों ब्रदर्स को पीछे छोड़ दोगी तो। तो हमारी गोशियांग बिल्कुल प्राउडली इसे अपने ऊपर हाथ लगाते हुए कहती है, देख लेना मैं आप दोनों को 2 सेकंड में हरा दूंगी। गोशियांग जो होती है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है, और ज़ोसुशु भी देखता है कि ये मॉमेट जो है वो अब बच्ची नहीं रही, एक टीन गर्ल में बदल चुकी है। ज़ोसुशु और वनकशिंग जो थे वो जानते थे कि बहुत जल्दी ये एज अ यंग वुमेन का फॉर्म ले लेगी। ज़ोसुशु वनकशिंग अपनी ही तैयारियों में काफ़ी बिजी थे, उन्होंने काफ़ी दिन इस प्लैनेट के जो दिन के हिसाब से, वो जब बाहर जाते थे तो बाहर की दुनिया के जो दिन थे वो यहाँ के दिन से अलग हुआ करते थे। टॉटर्स की दुनिया के 2 दिन इनके लिए 2 दिन नहीं थे, वास्तव में इन्हें यहाँ से गए हुए काफ़ी मंथ बीत चुके थे, और नागों की दुनिया के भी जो 2 दिन थे वो अलग दिशा में थे, वो अलग दिनों को प्रेफर करते थे। तो ज़ोसुशु और वनकशिंग को देखकर इन सबको इसलिए इतनी खुशी होती है क्योंकि ये यहाँ वनकशिंग और ज़ोसुशु के मुताबिक तो ये 2-3 दिन बाद ही आए हैं, लेकिन हकीकत में महीने बीत चुके हैं और गोशियांग भी काफ़ी बदल चुकी है और यंग टीनेज गर्ल हो चुकी है। वहीं पे गोशिंग उन्हें बोलती है कि आपको पता है लियो चिनजाओ और स्कॉर्पियो किंग भी जल्द एंगेजमेंट करने वाले हैं। वो लोग कहते हैं, कैसे? कहते तब गोशियांग कहती है कि लियो चिनजाओ ने स्कॉर्पियो किंग को शादी के लिए हाँ कर दी है, और आपको पता है मेरी कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है इस वाइट स्नेक से। ये वाइट स्नेक अक्सर यहाँ आता है और हम लोगों के साथ वक्त बिताता है, ये भी मेरी फैमिली की तरह हो गया। क्या पता ये कोई ओल्ड जो है बहुत टाइम से रखा हुआ बीस्ट हो जो अपने इंसानी फॉर्म में आने के लिए अभी जतन कर रहा हो। तो ये सुन के ज़ोसुशु कहता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये जो है मोस्टली वेजिटेरियन है और ये जो है सिर्फ वेज फूड खाता है, तो हो सकता है। तभी गोशियांग कहती है, ओह शिट, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना तो भूल ही गई। वो तभी के तभी जो है अपना हथियार, यानी के उसे एक वो मिला होता है जैसे हंटर, जो कि उसका स्पिरिचुअल वेपन होता है, उसे एक तलवार भी मिलती है, लेकिन वो हंटर को अपना स्पिरिचुअल वेपन मान चुकी होती है। ये देख के ज़ोसुशु बहुत अमेज होता है कि गोशियांग ने बहुत थोड़े से टाइम में ही अपनी जो है शक्ति को प्राप्त कर लिया है, और इतनी अच्छी जो है वो हंटर चलाकर उसे दिखाती है, वो बहुत इम्प्रेसिव फील करता है। वो कहता है, गोशियांग जैसे ही हम लोगों के ये जो टास्क हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं तुम्हारी और भी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा तुम्हारे टारगेट्स तुम्हें अचीव करने में। वो कहती है, ब्रदर्स हो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप कितने टाइम के लिए यहाँ है? तो वो बताता है कि मैं 2 महीने के लिए यहाँ हूँ अगली अमावस के लिए। तब जब अगली अमावस आएगी तब मैं और वनकशिंग यहाँ से चले जाएंगे। वो ये सुन के बहुत खुश होती है कि अगली अमावस पे, मतलब 2 महीने बाद जो अमावस आएगी बड़ी, उस पे आप सब चले जाएंगे। वो लोग जो है तब वापस से वनकशिंग की गुफा की तरफ जाते हैं। वनकशिंग वहाँ मेडिटेट करके कंसंट्रेट कर रहा होता है। गोशियांग उसे दूर से देखती है लेकिन डिस्टर्ब नहीं करती। फिर वो ज़ोसुशु को लियो चिनजाओ और स्कॉर्पियो किंग के पास पे ले जाती है। वो लोग डेली मार्शल आर्ट प्रैक्टिस और हर चीज़ किया करते थे, स्वॉर्डमैनशिप यानी कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस भी, और वो लोग हाथों से बहुत सारे काम किया करते थे ताकि उनकी जो बॉडी है वो भी स्ट्रांग हो सके। वो सारी चीज़ें दोबारा से अपनी जो है प्रैक्टिस में लाने लगे थे। ऐसे करते करते 2 महीने बीत जाते हैं, और आज वापस से वो दिन आता है जब पूजा शुरू होने वाली थी, और जो जल्लाद थे, जो शैतान थे, उनकी पूजा करने जाने ही वाले थे। तब सोना गली उस द्वार को खोलती है ताकि वो लोग उस जगह जा सके जहाँ पर खाई है
और उस खाई में एक वोल्केनो है और उसका लावा जो है वो बहुत ख़तरनाक है। वो उन लोगों को एक प्रोटेक्शन चार्म देती है। वो प्रोटेक्शन चार्म जो है वो अपने गले में पहन लेते हैं और जिससे कोई भी लावा उनका कुछ नहीं कर सकता था। वो प्रोटेक्शन चार्म ना आखिर बहुत बड़ी जड़ी बूटियों से और बहुत ही बड़ी मणियों से मिलके बना होता है। उसमें देवताओं की दिव्य शक्ति होती है जो उस लावे को उनकी बॉडी पे टच नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि शैतान को अगर कोई हरा सकता है वो है देवता, और देवताओं की शक्ति उस चीज़ में ज़रूर भर भर कर होती है। तभी जो है ज़ोरोत्शु वनकशिंग देखते हैं कि सारे के सारे जल्लाद शैतानों की पूजा करने के लिए एक गुफा में एकत्रित हुए हैं। तभी ज़ोरोत्शु जो है वो उस ड्रैगर को यानी कि उस चाकू को अपने हाथ से निकालता है और वो ज़ोर से उस खाई में कूद जाता है और वनकशिंग को कहता है कि तुम पीछे से आना, पहले मैं यहाँ चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज जो है वो बहुत शक्तिशाली थे, शायद ये लावा मुझे इतना नुकसान नहीं दे पाएगा। वनकशिंग डरता है और कहता है नहीं, लेकिन ज़ोरोत्शु उससे पहले ही उस लावे की तरफ कूद जाता है, उस ड्रैगर को अपने हाथ में लिए। उसका सिर पहले नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं और वो शूं करके जो है अपनी उस चाकू से जो कि उसे नागों के देवता ने दिया होता है उसे पूरा चीर देता है और फाड़ते हुए उस लावे के अंदर घुस जाता है। और पीछे पीछे वो वनकशिंग को भी इशारा करता है आने का। वनकशिंग भी उसके पीछे पीछे फटाफट चला जाता है। उन्होंने एक गुफा टाइप बनाई होती है जो उस चाकू की मदद से आगे काटती हुई जाती है और उन्हें एक गुफा के अंदर दोनों को घेर देती है। उस गुफा के अंदर अजीब सा बिल्कुल मरकरी जैसा एक लावा होता है, लेकिन उन्होंने प्रोटेक्शन चार्म पहने हुए थे तो वो लावा उन्हें कुछ कह नहीं सकता था। पर सोनागली ने उन्हें कहा था वो लावा उनकी नाक में और मुंह में नहीं जाना चाहिए। वो लोग धीरे धीरे करके वहाँ की दिव्य शक्ति ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता इस काली अंधेरी गुफा में वो कैसे उस शक्ति को ढूंढे। तभी वो वहाँ पर लाइट जगाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर लाइट जगाते हैं एकदम से चाकू छुरी का हमला उधर होने लगता है। बहुत बड़ी बड़ी तादाद में बहुत बड़ी बड़ी तलवारें उन्हें आके लगने लगती है, लेकिन जो ज़ोरोत्शु होता है वो एकदम से टाइम को रोक देता है और वहाँ से आसानी से निकलता हुआ वनकशिंग को बचाता हुआ ले जाता है और एक किनारे पे खड़ा कर देता है जहाँ पर उन चीज़ों के वार नहीं होंगे। और वो देखता है कि वो तलवारें जो होती हैं आपस में एक क्लैश होकर ज़मीन पे गिर जाती हैं। एक्चुअली वो वार ऐसा होने वाला था कि दोनों तरफ से उन पे ऐसा हमला होता कि वो एक को रोकते तो दूसरा हमला उन्हें जो है घातक बुरी तरह से जो है वो मार सकता था। तब वनकशिंग कहता है ये तुमने कैसे किया। ज़ोरोत्शु कहता है अभी हमें सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, प्लीज़ समझो। और वो जो है वो वहाँ पर लाइट जगाता है और दीवारों पर निशानों को देखने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक निशान मिलता है जो गोला का रखा होता है। उस गोलाकार निशान में ज़ोरोत्शु अपना हाथ लगाता है और उसे अंदर की तरफ धकेलता है। तभी के तभी जो मरकरी वहाँ पर दिखाई दे रही थी वो सारी की सारी सूख कर अंदर से एक गुफा निकालती हैं। वो गुफा की सीढ़ियाँ जो थी वो नीचे की तरफ और भी जा रही थी। तो वनकशिंग कहता है हमें नहीं जाना चाहिए, खतरनाक हो सकता है। ज़ोरोत्शु कहता है अगर ये खतरनाक होता तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम मरकरी का हमला नहीं होता। वो लोग नीचे की तरफ जाते हैं गुफा में और जो ज़ोरोत्शु होता है वो अपनी शक्ति बोलकर फटाफट से वहाँ पर जो है एकदम से रोशनी कर देता है और वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे अद्भुत खजाने थे। लेकिन वनकशिंग कहता है इसमें से हम ऐसी क्या चीज़ है जो ले जा सकते हैं, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सी वो दिव्य शक्ति होगी। तभी ज़ोरोत्शु कहता है वनकशिंग तुम फटाफट से अपने ड्रैगन रूप में आओ और इन सब चीज़ों को फटाफट से फ्रीज कर दो। तो वनकशिंग कहता है क्यों। तो ज़ोरोत्शु कहता है हमारे पास ज़्यादा सवाल जवाब करने का कोई मतलब नहीं, फटाफट से इन सारी चीज़ों को अपनी ड्रैगन फॉर्म में आओ और आइस में बदल दो। जैसे ही ज़ोरोत्शु वनकशिंग अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है और आइस में सारी चीज़ों को बदल देता है तब वो देखता है एक जगह एक लाइट चमक रही होती है। वो एक सुरई होती है, उसमें से एक ऐसी लाइट आती है जो उसके आसपास की बर्फ़ को पिघलाती है और ज़ोरोत्शु स्माइल करते हुए कहता है वो शक्ति उसमें है। लेकिन तभी के तभी वो देखता है कि एक जो शैतान यानी कि एक जल्लाद था उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए आ रहा था। ज़ोरोत्शु कहता है इसे भी फटाफट से जमा दो वरना ये सबको सिग्नल भेज देगा और यहाँ पे सारे के सारे लोग आ जाएंगे। ज़ोरोत्शु वनकशिंग जो है अपनी ड्रैगन फॉर्म से उस पर बर्फ़ गिराता है और उसे भी जमा देता है और फटाफट से वनकशिंग जो है उस सुरई को जाता है, उस सुरई में से जो है खोलकर उस शक्ति को बाहर निकालता है। वो शक्ति बहुत ही ज़्यादा जो है उसे काबू करना बहुत मुश्किल था, वो इधर उधर भागने लगती है उस सुरई में से निकल के और जगह को तबाह करने लगती है उस गुफासी को। तभी ज़ोरोत्शु वक्त को रोक के उसकी स्पीड रोकता है और उसे अपने हाथ में लेता है और फटाफट से उसे ज़ोरोत्शु जो है वनकशिंग की छाती में समा देता है और
जैसे ही वो वनकशिंग की छाती में जाती है, वो वनकशिंग की बॉडी में अंदर समा जाती है। वनकशिंग अपने ड्रैगन फॉर्म में ही होता है, उसे बहुत तकलीफ होती है और वो बहुत तेज़ चिल्लाता है। तभी जो हमारा ज़ोस इशू होता है वो कहता है, फटाफट से वनकशिंग, फटाफट से उड़ो और हमें यहाँ से बाहर ले जाओ, हमारा दरवाज़ा भी खुला है, हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। ज़ोस इशू जो है वनकशिंग के ऊपर बैठ जाता है और वनकशिंग अपनी ड्रैगन फॉर्म में सब चीज़ें चीरता हुआ, फांदता हुआ जो है अपनी दुनिया में वापस जाने ही वाला होता है कि वनकशिंग पे जो है ये जो ड्रैगन होते हैं, सॉरी जो ये जल्लाद होते हैं, ये बाहर निकल आते हैं और उस पर तीर चलाते हैं। ज़ोस इशू उनके तीरों को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक कॉर्नर साइड में भी जल्लाद बैठा हुआ है। वो जल्लाद जो है वो वनकशिंग की पूंछ पे एक तीर चला देता है, जिससे वनकशिंग दर्द में बहुत तेज चिल्लाता है। वो अपने मुंह से आग निकालता है और जिस बंदे ने उस पर तीर चलाया था उसे जलाकर भस्म कर देता है। वो जैसे तैसे उस जगह से निकलते हैं और अपनी दुनिया में वापस आते हैं, लेकिन वनकशिंग की पूंछ बुरी तरह से घायल हो गई थी, उसकी पूंछ से बहुत खून निकल रहा था। और वनकशिंग उसके बाद अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है और देखता है कि वनकशिंग के जो है पैरों में के आसपास काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। ज़ोस इशू जो है वो अंतर ध्यान करता है और वनकशिंग की उस चोट पे दवाई लगाने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि ये एक पॉइजन है और यहाँ पर एक वाइट स्नेक है जो इसके पॉइजन को निकाल सकता है। वो फटाफट से लेक की तरफ भागता है और उस वाइट सांप को लेकर आता है। वो वाइट सांप को जो है प्यार से अपने वश में लाता है और ज़ोस इशू का जहर चूसने के लिए कहता है, वनकशिंग का जहर चूसने के लिए कहता है। बिना ही उसके कुछ किए वो सांप वो सारा जहर अपने अंदर ले लेता है और वापस से पानी की तरफ निकल पड़ता है। ज़ोस इशू कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा वनकशिंग को बचाने के लिए। वनकशिंग दर्द में होता है, वो लोग उसकी पट्टी करते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वो जो ज्वालामुखी की जो शक्ति थी वो बहुत ही ज़्यादा वनकशिंग को दर्द दे रही होती है। ज़ोस इशू उसे हक करता है और सोनागली को कहता है कि इसके लिए गर्म हर्ब्स लेके आओ और हम अपने जो नेक्स्ट टारगेट होगा उसके लिए, हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, तो हमें उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, शायद से 6 महीने। तब सोनागली कहती है, अगला जो तुम्हारी दुनिया है वो भैरूपियों की दुनिया है, वो भुलेखों की दुनिया है, तुम्हें वहाँ जाना होगा और बच के रहना होगा। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।